अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफर में मेड इन पाकिस्तान बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद और मेरे इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। हमारा मकसद होता है कि अपने स्टार से जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम और मुकाम पैदा किया होता है उनसे आपको मिलवाएं। आज इस सिलसिले में मेरी एक ऐसी पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है जो कि पाकिस्तान के एक इंडस्ट्री के एक अहम सतून समझे जाते हैं और मेरे दोस्तों में से हैं। मुझे याद है कि जब 6 साल पहले ये सफ़र ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफ़र शुरू किया था हमने, तो मेरा 3rd जो प्रोग्राम था उन्हीं के साथ था, और वो सफ़र आज तक हमारा भी जारी और सारी है और उनका भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैनन फॉर्म इंडस्ट्री के CEO रुएरवा फाउंडर जनाब शेख इब्राहिम साहब की। शेख इब्राहिम साहब किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, यानी कि जब भी पाकिस्तान में कोई जिद्दत की बात होती है, चाहे वो फॉर्म इंडस्ट्री हो चाहे कुछ भी हो, और आजकल वो एक नई इंडस्ट्री को इनोवेट करने में लगे हुए हैं, और बल्कि एक नया ब्रांड लॉन्च किया उन्होंने, और उसकी कामयाबी भी उसी जिद्दत और उसी दिन और रात, यानी कि उनकी जो जस्तजू है उसकी निशानदेही करेगी आपको। यह शेख इब्राहिम साहब आज मेरी सफ़र में मौजूद हैं। ख्वाबों से तबीयत तक का यह सफ़र बहुत हसीन होने वाला है। मैं जानूंगा उनका आज 2nd जनरेशन में जो यानी कि यह सफ़र जा रहा है, और 2nd जनरेशन के साथ मिलके वो आए क्या चीज़ लेकर आए हैं फर्नीचर की इंडस्ट्री में और इंटीरियर की इंडस्ट्री में, कि वो मुकाम और वो जिद्दत बरकरार रख सकेंगे के नहीं। आज जानेंगे हम शेख इब्राहिम साहब की ये कहानी उन्हीं की जबानी, तो मेरे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबील तक पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनी। शेख इब्राहिम साहब, सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शाह भाई, बड़ी पुरानी यादें 6 साल पीछे भी अरदास कर लिया। बिल्कुल जी, मुझे वो सफ़र याद है, मेरा 3rd प्रोग्राम था जो आपके साथ हुआ था, और आज 153 एपिसोड होने जा रही है। आप लोगों की और आप दोस्तों की वजह से, आपकी इंडस्ट्री की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जितनी ग्रो करती है उतनी हमारा बिजनेस है, हम दोनों एक दूसरे के साथ है। शेख साहब, मुझे याद है कि आपने वाकई हमेशा जिद्दत लेकर आए पाकिस्तान की इंडस्ट्री के हवाले से, प्रोडक्ट्स के हवाले से, कुछ ना कुछ आप लगे रहते हैं। जी जी, अच्छा, ये आपकी शख्सियत में नुमाया चीज़ है, ठीक है। आप अपनी पर्सनैलिटी के वाइज में मैं देखूँ ना, तो कुछ ना कुछ नया से नया आपके, कभी आप शेव के साथ नज़र आते हैं, कभी फ्रेंच में, कभी किसी स्टाइल में। आज मैं कैनन फॉर्म इंडस्ट्री का तारुफ तो सब लोग जानते हैं, ठीक है, उसकी इनोवेशन हो, उसकी तरक्की हो, माशाल्लाह उसके पीछे की बहुत लंबी दास्तान है, सब लोग उससे अवेयर है। लेकिन आज मैं जो आपका एक नया वेंचर समझ लीजिए, उसको नई क्रिएशन समझ लीजिए, आपका एक नया ब्रांड जो इंटीरियर के हवाले से और जो आप लेकर आए हैं फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़े एजाज की बात है, तो आज उसके ऊपर थोड़ी सी बात होगी, क्योंकि उसमें एक 2nd जनरेशन आ गई है, उसको हेड आपका बेटा कर रहा है, ठीक है। तो माशाल्लाह उसको 1 साल हो गया, जून में 1 साल हो जाएगा ऑलमोस्ट इंशाल्लाह। तो अब आज मैं शेख इब्राहिम साहब को उस हवाले से पूछना चाहूँगा। शेख साहब, पहले बात तो यूँ कहें कि वो बचपन के वो ही ख्वाब, उस ख्वाबों में ये ख्वाब भी था जो पूरा हो गया, अल्लाह ने कर दिया कि असल में बात यह है कि जो कारोबारी शख्स होता है ना शायद भाई, वो ख्वाब हर वक्त देखता रहता है, और आगे जाने का तो प्रोसेस उसके लिए बहुत ज़रूरी है।
अब बड़ी मजे की बात यह है, आपने भी कहा ना, तो 6 साल पहले जब आपकी हमारी मुलाकात हुई थी, उस वक्त हम पाकिस्तान में पहले ऐसे मैन्युफैक्चरर थे जो मैंने आपको बताया भी था कि जो पॉकेट स्प्रिंग इनोवेशन लेके आए थे कि जी हमारे जो थे वो दो तरह एक ही गद्दे में दो चीज़ें, दो साइड सॉफ्ट फिर वो 7 जोन 7 तरह के इम्पैक्ट्स थे गद्दे में, सॉफ्ट मीडियम हार्ड और इस तरह से। तो ये वक्त उस वक्त की चीज़ थी। आज हम बैठे हैं तो फर्नीचर पे आने से पहले मैं बताऊं कि वी आर दी फर्स्ट वन की जो पाकिस्तान में कॉम्पैक्ट मैट्रेस की लेके आए, कंप्रेस्ड मैट्रेस लेके आए हैं, हमने इंट्रोड्यूस किया है पाकिस्तान का पहला और वो मैट्रेस है जो आपको, आप डबल बेड बाय करने जाते थे तो आपको एक पूरा ट्रक पिकअप चाहिए घर लेके जाने के लिए, तो आप इनोवेशन में हमारे पास, हम आपको वो वाला मैट्रेस देते हैं जो आप अपनी होंडा गाड़ी की डिक्की में 3 मैट्रेस सेट के घर ले जाएंगे और उसको खोले और वो आपका बड़ा हो जाता है। जो फॉर्म मैट्रेस बड़ा जबरदस्त आया था, बड़ा शुक्र है और वो बड़ा अच्छा चल रहा है हमारा। जहाँ तक रही ये नए वेंचर की, तो बच्चे मेरे बाहर पढ़े थे, आप उनको जानते हैं, तो वो पाकिस्तान आया, हम फॉर्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे, हमने एक और इंडस्ट्री भी शुरू की है, वो एक डिफरेंट है थोड़ी, वो पैकिंग इंडस्ट्री, इंसुलेशन मटीरियल और इस तरह की है। तो हमने कुछ नया इनोवेट करना था, तो हमने पाकिस्तान की मार्केट में देखा, तो पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हाई एंड फर्नीचर में इम्पोर्ट का बड़ा रुझान है, और मैं शुरू से ही वो इंडस्ट्रियलिस्ट रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश भी है कि हम इम्पोर्ट की बजाय लोकल मैनुफैक्चरिंग पर डिपेंडेंट होना चाहिए। मैं लाहौर चैम्बर में भी जब बात करता हूँ, वहाँ बोलते हूँ, तो मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं लोकल मैनुफैक्चरिंग को प्रमोट करने की बात करता हूँ, और होना भी ऐसा चाहिए। और हम बच्चे और हम लोग बाहर गए, जब फिर हम वहाँ से आए, तो फिर हमने ये सोचा कि पाकिस्तान में इटालियन स्टैंडर्ड और यूरोपियन के हाई एंड जिनको बोला जाता है उनके स्टैंडर्ड्स की लोकल मैनुफैक्चरिंग। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में हमें इसके तमाम जो कारीगर हैं, जिसको बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी अवेलेबिलिटीज थी, वो के बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेड हैं, लेकिन इम्पोर्टेड को इस्तेमाल करके अगर हम कंपाउंडली मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर लें और देखें, मैं आपको भी दिखाऊंगा, गुजर करूँगा। तो मैंने जब हमने जब ये इफ्तिताह किया था, जब हमारी इसका जो ओपनिंग थी, तो यहाँ इंटीरियर डिज़ाइनर जो लोग आए वो सरप्राइज थे कि जी क्वालिटी और चीज़ों को आगे जाके कि आज दे मेड इन पाकिस्तान, हम कहते थे जी वो यकीन नहीं कर, आप भी देखिएगा। अल्लाह का शुक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अपना टारगेट अचीव किया, हमने यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इस स्टैंडर्ड का किया कि जो किसी भी यूरोपियन ब्रांड से आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी बहुत ख्वाहिश होती है कि क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, इम्पैक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, प्राइसिंग ओवर नहीं होनी चाहिए। प्राइसिंग जो है वो कंपटीशन में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैंने बहुत बना लिए तो मैं कस्टमर की, हम अच्छी क्वालिटी अफोर्डेबल प्राइस में, ये नहीं देखना कि यार ये बंदा अगर दूसरे कंपटीटर से जाके 1.5 मिलियन का अगर सोफा सेट ले रहा है और हम इसको उससे बेहतर बना के 1.7 में भी बेचे, अगर हम उसको 1.3 में दे सकते हैं तो वाई नॉट। बिल्कुल, हमें प्राइसिंग में कंपटीशन करने की बजाय हमें क्वालिटी में कंपटीशन करना है, हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना अच्छा करें कि वो उसको मुतमिन हो, और दूसरी उसके बाद ऐसी चीज़ हो कि हमारी थोड़ी प्रोडक्शन स्केल बढ़ा करें। हम एक्सपोर्ट की तरफ जाने का सोचते हैं, मेरा भी फॉर्म में भी हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ, और इसमें भी इंशाल्लाह ताला हमारा जो फ्यूचर प्लान है, अभी पहला साल है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने जितना भी सर्च किया, बेटा देख रहा है, मैं तो सिर्फ सुपरवाइज करता हूँ, लेकिन मुझे, मैं इस बात पर बड़ा खुश हूँ कि भी जो मुझे भी फीडबैक है, माशाल्लाह इन अ वन ईयर ही विल स्टैंड हिज बिजनेस, ही इज़ ऑन अ गुड रनिंग पोजीशन। और उस पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो स्टॉक्स है वो एक साल में 3 दफ़ा से ज़्यादा रोटेट हो चुका है, और वी आर नॉट गोइंग फॉर कॉपी द थिंग्स, आपको बहुत कम ऐसा मिलेगा। और हम अपने कस्टमर को भी इस बात पर कन्विंस करते हैं कि आप हमसे नई चीज़ लेने की तरफ आए, वी मेक फुल हाउस सॉल्यूशंस, इंटीरियर्स, फर्नीचर्स, एवरी कॉन्सेप्ट बेस्ड, यानी जस्ट इट इज एग्जैक्टली, हम कलर्स, हम
कस्टमाइज्ड कर्टन्स तक अच्छा डिजाइन करके देते हैं कि जी अगर आपकी कर्टन्स हैं आपकी पेंटिंग्स हम डिजाइन करवा देंगे। हम अगर आपका कमरा है जहाँ ये जैसे अभी आप बैठे हैं तो इस कमरे की जो पेंटिंग्स लगी हैं वो हमने थीम के साथ डिजाइन करवा के अपने पेंटर से बनवाई हैं, हमने जो अपना आर्टिस्ट है, और ये सारा इन हाउस सॉल्यूशन है। ये तभी पॉसिबल है कि आपके पास सिर्फ डिजाइन करने वाले माइंड नहीं, उनको एग्जीक्यूट करने वाली टीम भी होनी चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट्स को मजा उस वक्त आता है, कॉन्सेप्ट चलते उस वक्त है जब आप उसको एग्जीक्यूट अच्छा कर लेते हैं। जब आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे किसी चीज को तो वो सारा कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। हम जितनी अच्छी क्वालिटी कर लें लेकिन वो जहाँ रखी जाएगी उसका एटमोसफियर, उसके अम्बियांस, उसकी लुक्स वहाँ पे जाके पता लगती है। शोरूम की डेकोरेशन और घर में बहुत फर्क है। हम घर को ऐसा बनाना चाहते हैं और शोरूम को ऐसा कि दोनों एक जैसे फील आनी चाहिए। घर जाके बंदे को ना लगे शोरूम में तो ये सोफा बहुत अच्छा लग रहा है, पंजाबी कहते ना उत्थे जच रहे जी साढ़े घर की बेला गर्क हो गया, तो वो घर में जाके यहाँ से ज्यादा खूबसूरत लगना चाहिए। उसने पैसा खर्च किया है कस्टमर, उसको हम पूरा अंबियांस क्रिएट करके देंगे, उसके कर्टन से लेके उसके फ्लोरिंग कलर्स एवरीथिंग। तो मीन आपकी असल आइडियोलॉजी इस ब्रांड के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, यही है जिसको आप लेके चल। वी आर नॉट जस्ट सेलिंग फर्नीचर, ओके, वी आर नॉट जस्ट हियर टू स्किडी। आप आए और हमारे पास आके सोफा ले जाए, सोफा बेचने वाली बड़ी दुनिया है। वो इसी सराउंडिंग में बहुत सारे ब्रांड्स बैठे हैं। बड़ी मजे की बात है कि यहाँ पे अभी भी पाकिस्तान में लाहौर में बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े घर ऐसे हैं कि जिनको अभी भी मादर के साथ कोई पता नहीं है कि फर्नीचर क्या चीज है, क्या चीज़ है। वो अभी भी ये जो आम सामान फैक्ट्री वाला और दूसरी जगह पे जाते हैं वहाँ जाते हैं, वो फोटो दिखाते हैं, वो फर्नीचर बना के दे देते हैं। दे हैव नो कंसर्न कि इस पे लकड़ी कौन सी इस्तेमाल हुई है, इस पे पेंट कौन सा इस्तेमाल हुआ, इस पे लेकर कौन सा इस्तेमाल हुआ, इसकी फिनिशेस क्या है, इसके एमडीएफ क्या है, अगर एमडीएफ का बन रहा है शीशम है तो किस स्केल का शीशम की कई किस पे, अगर वो गीली है तो उसकी क्या रेट है, और अगर वो पाँच साल दो साल और प्रॉपर सीजन है तो उसका क्या रेट है, उसका इम्पैक्ट क्या होएगा। अच्छा बड़ी मजे की बात ये है कि हम तो फर्नीचर इंडस्ट्री के नहीं, तो हम तो फॉर्म पे वही कहने लगे फॉर्म जब आप इधर आए तो वो एक इंस्टिंग होती है एज अ बिजनेसमैन, एक इंस्टिंग है हमारी एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट इंस्टिंग, वो है लर्निंग की। व्हेन वी कम आउट कम इन दिस बिजनेस तो इसकी लर्निंग थी, इसमें कैसे कैसी चीजें हैं, कैसे उसके इम्पैक्ट्स हैं, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसको कैसे हम अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा प्यार जिस चीज से है वो हमारी गुडविल है, वो हमारी स्ट्रेंथ है हमारी गुडविल। देखिए आप इस लाहौर शहर में घूमते हैं आप तो यहाँ आप 80% बड़ा बिजनेसमैन या ऊपर के लोग हैं जिनको हमारे कस्टमर्स होंगे वो कहीं ना कहीं मुझे मेरी जात के तौर पर ही जानते हैं। सिर्फ हमसे फर्नीचर तो नहीं खरीदा, उसके तो हमारा पिछला 20 साल का 15 साल का किसी से 40 साल का मेरा मेरे बाबा का सबका रिलेशनशिप खड़ा है। तो हम एक प्रोडक्ट 10 लाख 5 लाख का बेच के मिलियन रुपीज से our total concentration, our total strength is our quality, our theme, our projects. ये हमारी जो concept है वो सिर्फ चीज बेचना नहीं है, हमारा concept है relationship building. और जब relation develop होता है तो obviously business भी चलता है। तो शेख साहब मेरा question वही था कि एक form industry से तलक रखने वाला वो बड़ी एक serious किस्म की industry है, और ये जो आप ये फर्नीचर इंडस्ट्री ये थीम बेस और बड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री और बड़ा सोचने बिचारने वाली, क्योंकि इसका रंगों से फैशन से कॉन्सेप्ट से आइडियोलॉजी से क्रिएशन से बहुत ज़्यादा तल्लक है इस इंडस्ट्री का। तो हाउ इस यानी कि सवाल शरारती सवाल देखिए रंगों से तो हर इंसान का ताल्लुक है, हम जिंदा हैं तो खूबसूरती अच्छी लगती है, तो आपके रंग तो आपकी पर्सनैलिटी में वाजिया नुमाया नजर आते हैं हमेशा। वो रंग तो देखिए हर अच्छा, ये जो इनकी कुछ चीजें ऐसी है, मैं अक्सर कहता हूँ बल्कि जो मेरे अभी एक प्रोजेक्ट था तो वो मेरे दोस्त की थे तो उनका प्रोजेक्ट बन रहा था, तो वो हमारी इंटीरियर डिजाइनर से ना बहुत आर्ग्यू कर रहे,
तो मैंने उनसे एक बात की वहाँ खड़े हुए, मैंने कहा यार बात ये है कि ये बॉल और ये चीज़ें देख रहे हो ना, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं जाता तो नहीं हूँ, लेकिन वो क्योंकि मेरे दोस्त हैं, उनका घर बन रहा था तो उनके फाइनलाइजेशन थी, तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर कह रहे थे इसको ये कलर कर देते, इसको ये कर लेते, तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर थोड़ी सी उनसे कह रही थी कि नहीं ये शूट नहीं करेगा, तो मैंने वहाँ सिर्फ एक बात की, तो मेरी इंटीरियर डिज़ाइनर बड़ी खुश हुई और वो इम्प्रेस भी करती सर ये, मैंने उसको अपने दोस्त को कहा मैं आप पास हूँ दूर मैं देखेंगे, सिर्फ ये एक वॉल देख रहे हैं कि इस पर ये ब्लू कलर कर देते हैं, ये जब देख रही है ना तो ये देख रही है कि इस वॉल के साथ ये फ्लोर क्या करेगा, हमारी छत ने क्या बोलना है, हमारा कर्टन क्या बोलेगा, हमारा फर्नीचर क्या बोलेगा, इवन के फर्नीचर की साइड पर रखी हुई टेबल पर रखा हुआ डेकोरेशन, हमारा लैंप, वो क्या, हमारा वो क्या बोलेगा, बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा जब आप इंटीरियर डिजाइनर हायर करते हो ना तो दे आर प्रोफेशनल्स, वी आर नॉट प्रोफेशनल इन दैट, वी आर जस्ट थिंकर्स, हमें अपनी सोच देनी है इनको, इनका काम एग्जीक्यूट कर देना, जैसे हम डॉक्टर के पास जाके उसको अपनी तकलीफ बताते हैं, हम उसको दवाई एडवाइस नहीं करते, दवाई हम उसकी मानते हैं। इसी तरह जब हम इंटीरियर डिजाइनर हायर कर लेते हैं, डिजाइनर्स को हायर कर लेते हैं, तो हमें उनको ये बताना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम पसंद क्या करते हैं, आपने पिंक कलर कराना है, आपने येलो कलर करवाना है, कोई करवाना है, आप उसको बताएं, वो फिर सारा कॉन्सेप्ट उस पर डेवेलप करके दे देगा। लेकिन आप ये कहें कि नहीं मेरा येलो कलर का तो मेरा होना चाहिए वॉल्स, लेकिन पिंक कलर के मेरे सोफा होने चाहिए और क्रीम कलर का मेरा बेड होना चाहिए, वो नहीं हो सकता। फिर आप उसको एक पूरा बताने को क्रिएट करके देने, बिल्कुल ठीक, आप बीच में फिर वो मुतमिन ना बनाए जो ग्रीन मरबा भी होना चाहिए, रेड भी होना चाहिए। जब के आपके जब हायर कर लिया किसी ने, यानी कि आपकी टीम को, तो फिर आप पूरा उसके रिस्पांसिबिलिटी भी आपके लिए है और स्टेट ऑफ आर्ट बना के आप पूरा उसको देंगे। हमारे पास कलर करने वाले से लेके कर्टन्स लगाने वाले तक, इवन के कर्टन्स को भी हम डिजाइन करते हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे, हमने घर किए हैं ऐसे कि अगर उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया है तो जो कर्टन उनके घर में लगे होंगे कोई देख के पूरे शहर में ढूंढ लेगा क्या, पाकिस्तान में ढूंढ लेगा, वो कर्टन उनको नहीं मिलेंगे, दुबई भी जाके ढूंढ ले तो नहीं मिलेंगे। ऐसा हुआ है हमारे साथ, हमने घर किया, वो आए उसके बाद उन्होंने उनके कोई दीद है, उन्होंने कभी वो वाले कर्टन दे ली, उन्होंने कहा आप लोगों ने दिया, मैंने कहा हमारा कर्टन का बिजनेस नहीं है, स्टाफ ने मुझे बताया कि सर वो आए थे, मैं क्योंकि हर दो तीन दिन बाद कोई आधा पौना घंटा एक घंटा यहाँ बैठता हूँ आके, मैं डिस्कशंस करता हूँ, मैं पूछता रहता हूँ कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि वो बच्चे हैं अभी बेटा जो है तो नज़र तो रखनी पड़ती है जी जी, तो वो मुझे पता लगता रहता है, तो लोग आते हैं, हमने अभी आपको ऊपर दिखाते हैं, हमने अपने कर्टन्स डिज़ाइन खुद किए हैं, तो चीज़ें हमने वॉल्स डिज़ाइन की हैं, हैंड पेंट्स करवाते हैं वॉल्स को, छतों को हैंड पेंट्स करवाया है, इसी तरह की चीज़ें इनोवेशन छोटी छोटी जो है आपको फीचर्स मींस के ये पूरी की इंडस्ट्री है ना, उसको जितना मर्जी करते जाए आप इसमें आए हैं तो शायद नहीं पता लगा है कि हम इसके बारे में जानते नहीं, और जितना जानते हैं और जानते जाए वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा भतीजा है, छोटे भाई का बेटा, हमने ये बिजनेस ये शुरू किया है और उसको मैंने फिर एनसीए में डाल दिया है, वो अब आर्किटेक्चर और ये डिजाइनिंग। आपने कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए सर मुझे लगा बल्कि इसी में एक ऐड ऑन मैं चीज करता जाऊं कि मुझे लगता है कि जब अगला इंटरव्यू होगा ना सेम, तो वो किसी नई प्लेस पर होगा आपकी, और उसमें एक नई चीज और आ जाएगी जो मैं आपको एक आइडिया देकर जा रहा हूँ, और इसी वो समझ लीजिए कि एक आपका पूरा एक यानी फ्लोर जो उसको सॉरी फ्लावर जो है ना गुलदस्ता एक कम्प्लीट हो जाएगा, उसमें आपके जनाब ब्राइडल वेयर, फॉर्मल वेयर और कैजुअल वेयर, वुमेन वेयर भी आ जाएगा, तो वो ये सारा आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। जो आपको बड़ी मजे की बात बता रहे, शायद आप उसको भी काम शुरू कर दिया हो आपने। माय डॉटर इज स्टडीइंग इन ओ लेवल एंड अभी पीछे रमजान में हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने एग्जैक्टली उसको ये बात की, मैंने उसे बोला कि वी वर्क ऑन द कैजुअल वेयर, तो क्या उसकी अम्मा कहती है कि अभी तो बहुत छोटी है, तो मैंने कहा ये छोटी नहीं है, तो इसको जब वो लेवल्स का ए लेवल्स पे जाएगी तो वी वर्क विल स्टार्ट वर्क ऑन दैट, शी जस्ट लुक आफ्टर एंड हिज एल्डर वन ब्रदर लुक आफ्टर विद हर, तो हम इसको स्टार्ट कर देंगे, हम इसको यहाँ लोकली, आजकल जो हमारे आपको पता है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का थोड़ा बुरा हाल है, तो मैंने कहा किसी से जाके मीटिंग्स करते हैं आजकल, मैंने कहा वेरी सिलेक्टिवली
टी-शर्ट्स, राउंड नेक शर्ट्स, कस्टमाइज्ड पोलोस, पोलोस और जीन्स और खाकीस, चार पांच चीजें सिलेक्ट करके वुमेन एंड मैन इनको लॉन्च कर अपना ब्रांड वी आर वर्किंग ऑन दैट इंशाल्लाह वेरी सून. तो सर वो कंप्लीट हो जाएगा ना नेक्स्ट कि ब्राइड एंड ग्रूम भी आपके हम बनने शुरू हो जाएंगे. वो एक्चुअली एक थोड़ा डिफरेंट है. मैं थोड़ा प्यार करता हूँ मास प्रोडक्शंस पे बड़ी की तरफ चले बड़ा, लेकिन वो बच्चों का अब अपना देन है, मेरा थोड़ा पीछे गया. तो शेख साहब वही वाली बात कि आप मुझे लगता है कि आपने ना अंडर द वन रूफ यानी कि आप माशाल्लाह एक महफिल सी सजा ली है और इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड होनी चाहिए. अच्छा मेरी में एक और बड़ी कोशिश है, मैं बल्कि अक्सर आप कहता हूँ कि जो हम फैमिलीज हैं हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को वुमेन एम्पावरमेंट को उनको जरूर पढ़ाएं बहुत अच्छा और उसके साथ में उनको बिजनेस इस माशरे की इस मुल्क की जरूरत है कि हर शख्स का मैं इस हक में हूँ कि हमारी लेबर क्लास की बच्ची को भी घर से नहीं करना चाहिए. हमारा माशरा ऐसा हो जाए कि जो उसको तहफ़ फराम करे, जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझे, उसको अपने साथ मिला के काम करे और उसको रोजी रोटी. मुझे एक मुल्क जाने के इतफाक हुआ, मैं अभी नाम नहीं उसका कोट करता, हमारे पास भी ये पड़ोस का मुल्क है हमारा, मुझे वहाँ जाके एक चीज़ का बड़ा मजा आया. मैं ट्रैवल कर रहा था, मुझे दुबई जाके वहाँ जाना. जब मैं दुबई से उस मुल्क जाने के जहाज में बैठा तो हमारे जहाज में 25 से 30 साल के दरमियान के लोग थे. अच्छा इससे ज़्यादा उम्र के लोग नहीं थे 30 साल से, वो वैसे तो बड़ा बड़ा कम होगा. सारी लेबर क्लास थी और उसमें बेशुमार लड़कियाँ थी बच्ची. कितना खूबसूरत इम्पैक्ट है, कितना कॉन्फिडेंट होगा उन माओं को बापों को अपनी बच्चियों पे जिन्होंने दूसरे मुल्क में भेज दिया लेबर क्लास. उनके अपने मुल्क में कितना तहफ़्फ़ुज़ होगा दिमागी तौर पे. बांग्लादेश में 50% लेबर में बच्चियाँ काम कर रही, हमारे यहाँ 5-10% नहीं है सर. आज हम रो रहे हैं कि भी हमारी पॉपुलेशन बहुत है और मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान का सबसे जो जो इम्पैक्ट है खराबी है उस पर पॉपुलेशन का बढ़ना और अनड्यू बढ़ना और फजूल बढ़ना एक बहुत बड़ा वजूहत है. लेकिन आने वाला वक्त ये हमारी ताकत भी है. आप इसको देखें, चाइना को उसने अपनी पॉपुलेशन को अपनी ताकत बनाया है, आज इंडिया अपनी पॉपुलेशन को अपनी ताकत बनाया है, बांग्लादेश ने अपनी पॉपुलेशन को अपनी ताकत बनाया है. हमें भी प्लान कर लेना चाहिए और कितना इंतज़ार करना है. पिछले 10-15 साल में आप उठा के जैसे इस रीजन में पलटा था है. एक छोटी सी मिसाल आप पिछले 3 साल की दे दें, श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया, आज उनका मार्कअप रेट सिंगल डिजिट में जा रहा है उनकी इकॉनमी. आपके साथ अफगानिस्तान उसकी एग्जांपल है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं. आपने महंगाई की शरह 30% है अफगानिस्तान में, -8%. वहाँ चीजें सस्ती हो रही हैं, हमारे यहाँ चीजें महंगी हो रही हैं. तो सर कोई एक सलूशन आपके करीब इन सब चीजों से नजर में सिर्फ क्या लोगों को एम्पावर करना ही आप समझते हैं? एम्पावर करना तो एक अलग है सर. एक्चुअली आप एक चीज समझिए, बड़ी छोटी सी बात है, मैं चाहते हैं पावर ये जो इम्प्लीमेंटेशन है कभी नीचे से ऊपर नहीं जाती, ऊपर से नीचे है. ऐसे ही हमें ऊपर के लेवल पे तब्दीली की जरूरत है. ये जो हमारे खराजात है ना इनको हमें एमरजेंसी लगा देनी चाहिए सर. बंद कर दे हर चीज़, सबसे पहले कट डाउन करें अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस. उनमें सबसे बड़ा खर्चा आपकी फ्यूल की इम्पोर्ट सर, इतनी गाड़ी इतना फजूल पेट्रोल इम्पोर्ट करें. एक फैक्ट्री चलाने के लिए 4-4 एनर्जी सोर्सेज आप लोग बिल्ड करते हैं. वापस बिजली ले लो, जनरेटर रखो, वो लगाओ, सोलर लगाओ, फर्नेस ऑयल चाहिए. एक फैक्ट्री चलाने के लिए 4 जगह हमें सोर्स ऑफ एनर्जी पे इन्वेस्ट करना पड़ता है. हमारा 1 करोड़ लगना हो तो उसकी जगह 12 करोड़. फिर भी आपको महंगी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि कल क्या होने वाला है. सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इस पर इम्पैक्ट करने की जरूरत है. आज भी हम कट डाउन करें अपनी यशियों को, ऊपर वाले लेवल को,
इंपोर्ट बड़ी गाड़ी की 100% बंद होनी चाहिए। मेड इन पाकिस्तान के अलावा कोई चीज बाहर से नहीं होनी चाहिए। और मेड इन पाकिस्तान में जो चीज इंडस्ट्री आपको रॉ मटेरियल चाहिए जो ना गुजीर हो वो तो आ जाए। जिसको पाकिस्तान में क्रिएट किया जा सकता है उसके लिए डेडलाइंस के साथ टाइम दे। आपने इतनी गाड़ी बाहर से इंपोर्ट कर दी है कि आपकी लोकल गाड़ी की इंडस्ट्री का खत्म हो रहा है। लोकल वालों को कहो भाई 100% मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में लेके आओ, हम तुम्हें 3 साल देते हैं, 3 साल में जो बंदा 100% गाड़ी पाकिस्तान में नहीं बना रहा वो बंद, और उसको एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट के तो स्टैंडर्ड ही मीट नहीं ना करते, नहीं इनके कॉन्ट्रैक्ट कुछ मुल्कों के साथ है। सर मेरी की गाड़ी अभी 7 साल पाकिस्तान की जिंदगी में 7 गाड़ियां वालों ने वो अपनी जो जीप बनाई है वो वाली एक्सपोर्ट की है। मास्टर वालों ने हमारे दोस्त हैं अच्छे बड़े, तो गुजारिश ये है कि हमें पॉलिसीज कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। आप देखिए आपकी ग्रॉसरी में कितनी चीजें बाहर से आ रही, क्यों आ रही? आपके पास इम्पोर्टेड बिस्कुट बाहर से आ रहा है, हम पाकिस्तानी बिस्कुट खा के जिंदा नहीं जा सकते। आपके पास आप मोटरवे पर सफर तो करके देखें और लोकल चिप्स नहीं मिलती, लोकल बिस्कुट नहीं मिलता आपके पास। क्या इतना रईस लोग मोटरवे पर सफर करें कि 700 रुपए का बिस्कुट का पैकेट है बर्फ का, लोकल बिस्कुट ही नहीं लगता हुआ उन लोगों को? क्या तकलीफ है और आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, आपके पाकिस्तान में जो अमीर तरीन लोग गिने जाते हैं सारे प्रॉपर्टी वाले, एक नियम अच्छा को निकालते तो बाकी सारी प्रॉपर्टी वाले प्रॉपर्टी डीलर्स है सारे। दुनिया में उठा के देख ले कौन सा प्रॉपर्टी डीलर है जो टॉप अमीर है, कौन सा प्रॉपर्टी का बिजनेस करना है? इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो, ट्रेडर होंगे वो, इन्वेस्टर्स होंगे आप, वो उनके सारे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होंगे, वो कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। हमने पैसे को ढंग करवा दिया जमीनों में, हमने पॉलिसीज नहीं दी गई। और ये और जो बंदा ये कहता है कि पाकिस्तान को बड़ी टर्निंग पॉइंट की जरूरत है, पाकिस्तान को 50 साल लगेंगे हम ये कर देंगे, सिर्फ एक नीयत चाहिए, विल चाहिए, 10 साल भी बहुत है। बांग्लादेश ने 15 साल में अपनी 15 साल पहले 13 साल पहले बांग्लादेश को उठा के देख ले उसकी एक्सपोर्ट क्या थी। लेकिन ये भी तो देखे ना 15 साल पहले 2014 में 2012 में इंडिया कहाँ था और आज इंडिया कहाँ है? चाइना ने अपने आप को बदलने में कितने साल लगाए? ये सारी बुलशिट है कि जी लंबा वक्त चाहिए, नस्लें लग जाती हैं कौमें बनने में। दुनिया ने साबित कर दिया सर कि अब टेक्नोलॉजी के दौर है, रेवोल्यूशन है, आपको अपने मुल्क के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। आज आपका तो दुनिया का मुल्क आपके मुल्क में आकर पैसा लगाने को तैयार नहीं है, आप स्टेक्स नहीं है दुनिया में, अब लड़ाइयाँ कहाँ होनी है? लोग कहते थे जी खा जाएगा जी रशिया, यू लड़ेगा, यू उज़्बेकिस्तान को मार देगा, ये खुद ही खुद ही लापड़ा अपनी इकॉनमी की वजह से। तो ये सारी चीजें दुनिया हमें इसके साथ बदलना पड़ेगा, नहीं तो हमें बिल्कुल से। इब्राहिम साहब को एक ऐसा मैसेज यानी कि ख्वाबों से तबीयत तक के सफर में ख्वाबों का सिलसिले जारी रखते हुए हमारे ख्वाबों से एक बात कहूँगा प्लीज प्लीज, ख्वाब सोते में जागते में देखें, क्योंकि जागते में देखेंगे तो वो आपको जगाते ही रखेंगे, सोने नहीं देंगे। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट की सोच तो हो सकती है, एक एंटरप्रेन्योर की सोच हो सकती है, लेकिन माइंड भी कुछ लोग इसे इत्तेफाक नहीं करते, ठीक है। लेकिन एक वाकई जो हकीकत है में जो जाते हो ख्वाब देखते ना वही लोग तरक्की करते आगे आते हैं। मैं भी थोड़े दिन पहले ना एक यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ अच्छा मास्टर्स के एमबीए के स्टूडेंट से बात हो रही थी मेरी, तो मैंने उन्हें इस बात पर आपने कहा मैंने कहा हमारे यहाँ ना बल्कि सीधी से पिछले बहुत से सालों से कोई नया वेंचर नहीं था, कोई स्टार्टअप नहीं, कोई छोटे से छोटा भी स्टार्टअप नहीं हो सका। हम अपने बच्चों को भी ये वेंचर्स नहीं दे पा रहे कि यार आओ नए इनोवेशंस करो, स्टूडेंट्स रिस्क नहीं लेते। इंडिया में आप देखिए छोटे छोटे से लोग कार्ड्स पे लाखों रुपये का बिजनेस कर रहे हैं। हमारे यहाँ उन्होंने सोशल मीडिया को यूज़ करके अभाती बहुत है ना, तो एक कार्ड भी चल जाए तो वो 50 रुपए का वड़ा पाव बेचती 2 लाख रुपए के रोज वड़ा पाव बेच रही है, 1 लाख रुपए उसकी जिंदगी बदल गई है, 2.5 लाख रुपए सैलरी लेती थी
वो मुझे गाड़ी देखी उसे क्या अब वो कई 2.5 लाख यानी कि रोज के उसके आप उसके चाय वाला देखे बिल वो बिल उसके पर चाय पीने चाहिए। हम लोग ऐसी चीज़ों की तरफ जाते हैं क्योंकि हम बच्चों को ख्वाब दे ही नहीं रह सकते। हम जागती आंखों के हम सोई आंखों से नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को। हमें उन्हें ख्वाब देने हैं, हमें उन्हें बड़ा दिखाना है। एक किस्म भी है बात खत्म करते हैं जी नहीं प्लीज प्लीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पिछले कुछ सालों में जो हमने ख्वाब भी दिए ना, देखिए आप और मैं जिस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं तो हमारा आइडियल दुनिया मोहन नवाज शरीफ साहब, आपने भी जब उसम वाली जाओ जाकर और आखिर में होगा मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब के बाद बेनली आई, उसके बाद जो जो भी है। कैसी खूबसूरत बात है कि आपको और हमने जिन लोगों को पाकिस्तान में तरक्की करते देखी वो सारे पाकिस्तान से दौड़ गए और वो सारे के सारे एक दूसरे को चोर डिक्लेयर करते रहे। और आज आपने जिसको आइडियलाइज किया था, मैं तो इस बात में कोई मुजायका नहीं समझता कि मैंने जब मैं आया था तो मैंने बिजनेसमैन देखा था कि नवाज शरीफ फैमिली बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, इनके पास बहुत है तो मैं भी बिजनेसमैन बनूँ। ग्वालमंडी हैं, अभी पुरानी ग्वालमंडी के हैं, हमारे ताया के इनके बड़े दोस्त थे, हम तो इनको बचपन से देख के सुनते आ रहे थे सारे। लेकिन बाद में एक ऐसा इंप्रेशन, एक ऐसा शीशा टूटा कि ये जो कुछ खड़ा हुआ सब चोरी कर। अच्छा जी ये क्या हो गया, बेंद्री साहब और जरदारी साहब ने तरक्की की, अच्छा जी बड़े पैसे सब चोरी किए, क्या किया हमने इस मुल्क को जुआ है। आज हम जहांगीर साहब को मैं नाम लेके कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये अलमिया है माशरे का। सर ये किया गया है, हमने जिसको इस मुल्क ने आइडियलाइज किया, जिसको हमने कोई मेंटोर बनाने की कोशिश की, जिसको कोई मेंटोर साबित कर सकते थे, उसका इमेज इतना बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया गया कि हमारे पास ख्वाब देखने के लिए तो कुछ कोई नहीं बचा। हम किसी को आइडियलाइज ही नहीं कर सकते इस मुल्क में। हम हर एक को चोर, हम हर एक को डाकू, हर एक क्या कर रहे हैं हम इस मुल्क के साथ, हमारे पास कोई सिंसियर बंदा ही नहीं। आज भी हम 75 साल बाद देन कायदे आजम की मिसाल, लेकिन कायदे आजम के साथ तो टाटा बिरला पाकिस्तान में भी, हमारे पास भी दाऊद थे, हमारे पास भी सैदल थे, हमारे पास भी सट वाले थे, हमारे पास भी बड़ी बड़ी कराची की फैमिलियां, आदम जी बड़े बड़े इंसान थे हमारे पास, लेकिन क्या किया लोगों ने, हमने कोई ऐसा कुछ रखा ही नहीं अपने पास। हमने जो भी आया हमने उसको चोर क्या दिया, जो जिनको आइडियलाइज कर सकते थे वो जा के बाहर। देखिए सर फिर भी उम्मीदें बहारे रक्षा जल सुबह तो जरूर होगी, ये मुल्क है मेरा, ये मुल्क जरूर चलेगा अगर शेख इब्राहिम साहब जैसे लोग आज भी सिंसियरिटी के साथ इस मुल्क को चलाने में एक अपनी जिसको कहते हैं जहानत से और अपनी काबिलियत से यकीन रखते हैं तो यकीन है मुल्क जरूर तरक्की करेगा। आपका भी तो देखे ना कंट्रीब्यूशन है ना इस दौर में, आपने तो बहुत बड़ी बात की है भाई, कौन जानता शेख इब्राहिम को शाहिद, अल्लाह ताला आपको खुश रखे शेख साहब, बहुत अच्छा लगा आपका ये वाला देख के बिजनेस, और इंशाल्लाह नए बिजनेस के साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफर जारी है और आपको पता है आज हम शेख इब्राहिम साहब का इंटरव्यू चल रहा था अभी, और अभी मेरे साथ उनके साहबजादे जिन्होंने ये ब्रांड लेके जा रहे ये सारी क्रिएशन और इंटीरियर डिजाइनिंग की और ये फर्नीचर की, यानी कि जितना आपने काम देखा है ये जो ब्रांड है इसके मतलब वो बताएंगे कि ये बेसिक आइडिया क्या था। तो मेरे साथ मौजूद है हुज़ैम अली शेख साहब, तो मैं बात करता हूँ। हुज़ैम कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी जी ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र सर, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है। आपने देखा है कि शेख साहब ने यानी कि आपके फादर ने बड़े खूबसूरती से इस इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा काम किया अब तक और अभी स्टिल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपकी बहुत एक क्रिएटिव यानी कि बाप के बेटे हैं और उसके बाद ये आपने एक नया ब्रांड यानी कि जो स्टार्ट किया है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि बेसिक आइडिया क्या था इसको लेकर चलने का, यानी कि क्यों, और इसका थोड़ी सी फिलॉसफी बताइए कि बिहाइंड द फिलॉसफी क्या थी प्लीज। सर बेसिकली हमारा जिस तरह अभी आपने मेंशन किया है, आई एम प्रीटी श्योर आपने पहले जिक्र भी किया, हमारा जो पेरेंट कंपनी है राजकालीन फोम इंडस्ट्रीज,
तो चूंकि हमारा बैकग्राउंड जो था वो फोम मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू था और इन चीज़ों में था, तो हम किसी हद तक फर्नीचर डेवलप करते थे, बट दैट वाज फॉर द मैसेस। वो थोड़ा सा चूंकि हमारा जो फोम का काम है इट्स डीलर बेस्ड, इट्स होलसेलर बेस्ड, तो दिस वाज समवॉट रिलेटेड टू होलसेलर्स एंड दैट टू हमारा जो फर्नीचर सेगमेंट भी था। तो उसी को ही व्हेन आई वाज स्टडिंग इन द यूके, तो आई हैड अ कीन इंटरेस्ट इन इंटीरियर डिजाइनिंग, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर डिजाइनिंग, क्योंकि चूंकि हमारी एक लाइन थी ये, तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था उसकी तरफ। और इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड कमिंग बैक ड्यूरिंग माय हॉलीडेज एंड स्टफ, इधर आके जब काम में लगना, काम करना उस चीज के साथ, स्टडी करना, उसको देखना, तो दैट्स व्हेन आई गॉट लाइक गेट पॉलिश माय इंटरेस्ट मोर, क्योंकि मुझे खुद प्रेफरेबली फर्नीचर इंडस्ट्री और द प्रोसेस ऑफ फर्नीचर मेकिंग डिजाइनिंग वो ज्यादा इंट्रीग करता था एज कम्पेयर टू द फोम सेगमेंट। ओके, सो आई थॉट ओके व्हाई नॉट डू समथिंग इन दिस एंड मेक दिस अ कंप्लीट ब्रांड ऑफ इट्स ओन। तो फिर जब मैं ग्रेजुएट हुआ, वापस आया, क्या उस वक्त तो कोरोना चल रहा था, बट दैट गेव मी अ गुड टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, उसकी बैकग्राउंड के ऊपर वर्किंग करूं, चीज़ों को समझूं, अपने आप की थोड़ी स्किल्स को पॉलिश करूं। तो फिर आफ्टर दैट आई दिस केम इनटू बीइंग इन 2022 के अंदर इसके ऊपर एक्चुअली वर्किंग ऑन फिजिकल ग्राउंड शुरू हुई थी। उनकी तरफ से भी अल्लाह का काफी शुक्र है कि हमें काफी अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला है। When we started in June, तो we had a mission, like I had a mission in my mind, our company had a mission कि हमने अपने products को थोड़ा सा clientele के लिए different कह लें या थोड़ा सा मुख्तलिफ रखने के लिए हमने एक चीज़ initiative हमने लिया था कि हम हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी product range जो है उसको change करेंगे। Okay. And we won't be selling a lot of the same product, जैसा हम वो बार बार एक ही चीज़ को रेप्लिकेट करके हम नहीं सेल करते रहेंगे। आफ्टर अ सर्टेन पीसेस सोल्ड वी ट्राई एंड चेंज दैट आइटम। सो आई कैन प्राउडली से कि विद इन द फर्स्ट सिक्स मंथ्स हम अपना पूरा का पूरा स्टूडियो जो है वो एक दफ़ा फ्लिप कह लें, स्विच कह लें, हम कर चुके थे। लाइक अगर आप फॉर एग्जाम्पल लॉन्च पे हमारे आए होते हैं एंड द डे यू केम डाउन, सो इट्स ऑलमोस्ट बिन व्हाट 8-9-10 महीने हो गए, तो 9 महीनों बाद आपको कोई चीज़ वो ना नज़र आती जो आपको 9 महीने पहले यहाँ पर नज़र आई है। So that us and considering our industry, I consider that a great achievement for our company and for our brand, क्योंकि ये मेरे मानने के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज मोस्टली जो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, दे कीप सेलिंग द सेम स्टाफ ओवर एंड ओवर अगेन। एक हॉट सेलिंग आइटम आपकी हो जाती है, आपके बेस्ट आइडियाज हो जाते हैं, टॉप पिक्स हो जाती हैं, वी डोंट बिलीव इन दैट। हम कहते हैं व्हाटएवर वी क्रिएट इज आवर टॉपिक। ठीक है, हम टॉपिक से इंस्पिरेशन लेकर अगर एक आइटम जनरेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दैट आइटम शुड बी अ टॉपिक इटसेल्फ एंड नॉट टू बी कम्पीटेड विद अदर्स एंड देन फिर बीच में से एक टॉपिक निकले। सो व्हाट वी बिलीव कि आवर डिजाइंस काइंड ऑफ सेड ऑन आवर ओन एंड द ऑडियंस हैज काइंड ऑफ एग्रीड विद अस ऑन इट। हमारे जितने क्लाइंटेल हैं उन सब ने हमें उसमें बहुत सपोर्ट किया है, अच्छी फीडबैक आई। डेफिनेटली अल्लाह का बहुत शुक्रिया। शेख साहब बता रहे थे कि आप पूरा थीम बेस कर रहे हैं, यानी कि जिसमें आप कर्टन्स भी टोटल, यानी कि अंडर दी वन रूफ, आप यानी कि पूरा एक फर्नीचर हाउस से लेकर उसका एक रूम सेट तक सब कुछ करके दे रहे हैं जी। हमारा से जो आइडियोलॉजी है दैट वी प्रोवाइड अ कंप्लीट इंटीरियर डिजाइन सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें सब आ जाता है। हम उसके अंदर हम आप वॉल टू वॉल कह सकते हैं जी हम आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें अगर आप एंटर होते हैं यू हैव अ ग्रे एरिया, आपको लेकर आए हैं हमारे पास ग्रे स्पेस है आपकी, हम उसको आपको टूर टिल द वेरी लास्ट डे हम आप में उसके साथ रहेंगे, आपके साथ हम आपको फ्लोरिंग के आइडियाज देंगे, फ्लोरिंग में आपके साथ जाएंगे, हम वॉल्स में आपके साथ रहेंगे, हम कर्टन्स में आपके साथ रहेंगे, हम आपके डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स में आपके साथ रहेंगे, हम आपके फर्नीचर में आपके साथ रहेंगे, हम यहाँ तक के आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो काम होने हैं उसमें भी आपके साथ रहते हैं। क्योंकि सर हमें एक्चुअली ये चीज़ रियलाइज नहीं होती, इवन आई डोंट थिंक ऑफ इट दैट वेल इन टू इट जब तक मैंने इस काम में नहीं आया था। अब सिंस आई हैव गॉटन इनटू इट आई हैव रियलाइज्ड कि ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर एक्चुअली कनेक्टेड टू ईच अदर। अब इफ आई आस्क यू कैचर सर आपने टीवी यहाँ पे लगवाना है, ये वो टीवी आपका, मैं डिजाइन पॉसिबिलिटी के हिसाब से टीवी जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट की ही पॉसिबिलिटी ना निकल सकती हो, तो वहाँ पे टीवी मेरी डिजाइनिंग का क्या पॉइंट रहा कि वहाँ पर टीवी नहीं बन सकता। या फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि यहाँ पर बेड आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लाउंज चेयर वेयर यू कैन रिलैक्स, टेक अ नैप,
काम योर सेल्फ डाउन फॉर अ बिट। अब आजकल जो है एक फोन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी है एक इंसान की है, वो नो वन की मतलब कंसीडरिंग आवर जनरेशन एवरीवन्स हुक्ड टू देयर फोन। फोन की बैटरी जब डेड होने लगती है तब इंसान घर से काम को छोड़ के घर तक जाने के लिए तैयार होता है कि मेरा फोन डेड हो जाना मैं इसको चार्ज कर लूं। सो व्हेन इट कम्स डाउन टू दैट पॉइंट यू आर रिलैक्सिंग एंड यू आर चिलिंग, वी डोंट वांट यू टू बी स्ट्रेस्ड आउट अबाउट थिंकिंग कि वो मेरे फोन की बैटरी लो हो गई है, ये वो, आई एम वॉचिंग अ शो, माय लैपटॉप माइट डाई एंड स्टफ, यू शुड हैव अ प्लग नियर बाय यू। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें एज अ डिजाइन टीम इन सबको सोचना पड़ता है पहले से ही, क्योंकि क्योंकि मोस्टली जो चीज़ है जब एक क्लाइंट आता है वो एक आइडिया सिर्फ अपने माइंड में लेकर आता है, उसको उसकी एग्जीक्यूशन का नहीं आइडिया होता, उसको नहीं पता होता कि आया वेदर दिस आइडिया वुड लुक गुड और नॉट। बिल्कुल ठीक। द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्लाइंट एंड द माइंडसेट ऑफ अ डिजाइनर इज कि जो क्लाइंट है वो एक आई पॉइंट ऑफ व्यू देखता है, वो जो उसके सामने है उसको सिर्फ वही चीज़ नजर आ रही होती है। व्हेन इट कम्स डाउन टू द इंटीरियर डिजाइनर, उसने फ्लोर के अपने टोज से लेकर वापस घूम कर आके उसने अपने पाँव के पिछली अपनी एंकल तक उसने सारा का सारा कुछ एनालाइज करना है, क्योंकि उस पूरे के पूरे रूम को सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मतलब इफ यू आर सिटिंग हियर यू सी दिस वॉल, दिस इज नॉट द ओनली वॉल दैट्स गोना क्रिएट दिस रूम, तीन और भी दीवारें हैं जिन्होंने इस कमरे को बना लिया, तो चारों की चारों चीजें आपस में इकट्ठी लगनी चाहिए। सेम गोज फॉर द सीलिंग एंड देन द फ्लोर। सो हम इन सारी की सारी चीजों को इकट्ठा लेकर चलते हैं सो दैट द क्लाइंट फील्स ईजी एंड वी can provide them with a space जिसको वो उनको actually अच्छी लगे, rather than after a certain time period they get bored from it and they be like oh we don't really like it and stuff. We मैं एक design philosopher हैं, उनका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, I attended a lecture of his while attending a workshop in Spain. उन्होंने एक जिक्र किया था कि a design should be as good as its functionality. Functionality, wow. A design isn't good if it's only for design purposes, and something isn't, a product isn't good if it's only functional. Design और functionality side by side चलती हैं। तो हम client को यही चीज समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो चीज सोच कर आए हैं वो design है, functionality उसके अंदर वो designer ने add करनी है। क्योंकि आपने तो एक picture देखी है, picture में तो सर हर चीज आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन in reality when it comes to life that's when the real magic happens. तो obviously we just try to make that magic happen for sure. अच्छा मुझे बताइएगा आगे क्या प्लान्स है इसको, यानी कि इस वेंचर को यानी कि डिफरेंट कंट्री सिटीज में भी लेके चलना है, क्या प्लान सोचा हुआ आगे किस तरह से इसको? जी सर, वी डेफिनेटली प्लान ऑन एक्सपैंडिंग और एक्सपोर्ट की तरफ भी, यानी कुछ ऐसा है? जी जी सर, फॉर नाउ वी आर फोकस्ड ऑन लाइक वी हैव क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, हमारे इस्लामाबाद से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि इस्लामाबाद के हैं, तो वी आर प्लानिंग ऑन ओपनिंग अप आवर सेकंड स्टूडियो इन इस्लामाबाद, maybe soon enough within a year or two maybe, but uske baad we plan on moving to Karachi, and during all of this we are looking into terms for exports and stuff, but that is a little bit complicated considering the current situation and everything, but eventually if things go well and inshallah we will look towards exporting too inshallah. sir kuch message aap dena chahe Pakistan ki fashion industry ko, interior industry ko, किसी न किसी हवाले से, तो जरूर एशियन ट्रेड टीवी का प्लेटफॉर्म आपके लिए है। तो मैसेज देने के लिए आई वुड से कि आई हैवंट बीन दैट लॉन्ग इन दिस इंडस्ट्री येट कि मैं सीनियर्स को या जो लोग काफ़ी देर से मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं मैं उनको, लेकिन जितना मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है या जो मैंने सीखा है इस इंडस्ट्री के थ्रू वो यही है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर हमें अच्छे डिज़ाइनर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा लैकिंग है। हमारे पास अच्छे डिज़ाइनर्स, जैसा भी आपने जिक्र किया फैशन इंडस्ट्री हो गई, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई, ठीक है, हमारे पास डिज़ाइनर्स जो हैं फॉर न्यू माइंडसेट्स, फॉर क्रिएटिव आइडियाज़, वो एक थोड़ी सी कमी है। तो आई वुड जस्ट वांट द यूथ, जो लोग सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन डिज़ाइनिंग देन गो फॉर इट, परस्यू डिज़ाइनिंग, बिकॉज डिज़ाइनिंग इज द ओनली थिंग जो आपके अपने माइंडसेट से निकल रही है वो आपको लोग कॉपी करेंगे। तो बी दैट ट्रेंड सेटर, be that person who is going to create something that people copy rather than copying stuff from people. Right, बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफ़र, जो कि आज शेख इब्राहिम साहब और उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद थे, उनकी जो नई एक क्रिएशन और नया ब्रांड जो उन्होंने लॉन्च किया आज, उसके ऊपर बात हुई। उम्मीद है कि आपको ये सफ़र और ये एपिसोड हमेशा की तरह ये 153 एपिसोड पसंद आएगी इंशाल्लाह, और ये सफ़र हमेशा जारी रहेगा और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को हम यूँ ही नेशनली इंटरनेशनली प्रमोट करते रहेंगे। और इस उम्मीद के साथ मुझे शाहिद मियां को इजाज़त दीजिए,
अगले सफर तक के लिए। इसके पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा आपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।